26वीं अंतरवाहिनी पीएसी पश्चिम जोन अलार्म एफिशिएंसी एवं शूटिंग प्रतियोगिता का मतलबपुर फायरिंग रेंज में हुआ आयोजन। 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद के अधीन मतलबपुर फायरिंग रेंज 26वीं अंतरवाहिनी पीएसी पश्चिम जोन अलार्म एफिशिएंसी रेस राइफल बिग बोर प्रोन रिवॉल्वर पिस्टल कार्बाइन एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिमांशु कुमार 23वीं वाहिनी पीएससी के सेनानायक रहे। सर्वप्रथम टीम प्रबंधकों से परिचय पत्र प्राप्त कर व रिबन काट कर व शांति के प्रति गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मेजबान टीम के कप्तान द्वारा सभी टीमों के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान खेल भावना प्रतियोगिता के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। उक्त प्रतियोगिता में पीएससी पश्चिम जोन के सभी 14 वाहिनियों के टीमों ने प्रतिभाग किया। आज प्रतियोगिता के प्रथम दिवस अलार्म एफिशिएंसी प्रतियोगिता संपन्न कराई गई, जिसमें मेजबान 23वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद की टीम द्वारा सभी बाधाओं को बहुत कम समय में पार कर प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता होने का गौरव हासिल किया। शेष टीमें सभी बाधाओं को पार न करने के कारण असफल घोषित कर दी गई। तत्पश्चात राइफल शूटिंग स्पर्धा प्रारंभ की गई, जिसमें 100 गज राइफल शूटिंग स्पर्धा में प्लाटून कमांडर थेतम पवार 23वीं वाहिनी द्वारा प्रथम, प्लाटून कमांडर अजीत सिंह 23वीं वाहिनी द्वारा द्वितीय तथा आरक्षी अंकित पवार 24वीं वाहिनी द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। 200 गज शूटिंग स्पर्धा में मुख्य आरक्षी राजकुमार मौर्य 23वीं वाहिनी पीएससी द्वारा प्रथम स्थान, पुष्पेंद्र नवी वाहिनी द्वारा द्वितीय तथा आरक्षी रोबिन नवी वाहिनी द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। आपका नाम जानना चाहेंगे? जयचंद शर्मा शिवरपाल 6 बटालियन पीएससी। सर, आज ये कौन सी प्रतियोगिता है और कहाँ हो रही है और क्या मकसद है? ये आषाढ़ प्रतियोगिता है। ये तमाम बाधाएं 13-14 बाधाएं पार करना होता है 33 हरकतों के द्वारा, और पार जाके लास्ट में फायरिंग करते हैं। ये इसलिए कराया जाता है कि डकैती अभियान में इसका बहुत बड़ा उपयोग में लाया जाता है। ये कितनी बटालियन इसमें भाग ले रहे हैं? 14 बटालियन भाग लिए हैं। कब तक चलेगी ये प्रतियोगिता? ये आज 7 तारीख से प्रारंभ हुई है और 11 को समाप्त हो जाएगी। मुख्यतः क्या उद्देश्य, आपने सारी चीजें बताई हैं, तो इसमें अभी तक कितनी सफलताएं मिली है? अभी तक एक टीम को सफलता मिली है, बाकी से टीम प्रयासरत है सफलता पाने के लिए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, अब प्रयास कर रही है। प्रयास अगर सच्चा सफल हुआ तो भी जाएंगी। कैसे शुरुआत करते हैं आप जवानों को, कैसे शुरुआत, आराम कर रहे होते हैं जवान, फिर उनकी क्या शुरुआत कराते हैं? शुरुआत इनको कराया जाता है कि ये लाइन में लेटा दिया जाता है और आनियो मार्क फायर आदेश दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, इस टाइम पर ये वर्दी पहनते हैं, 52 सेकंड वर्दी का टाइम होता है। इसके बाद ये अपने टैक्टिकल हरकतों के द्वारा दीवार को क्रॉस करते हैं। दीवार पर चढ़ने के बाद से फिर स्विंग रस्सा है, फिर उसके बाद से जो है क्रॉस रस्सा है, क्रॉस रस्सा के बाद लेडर है, लेडर के बाद से जो है वो है क्या कहते हैं तार है, हाँ, इस तमाम बाधाएं पार करते हुए लास्ट में ये जाकर फायरिंग करते हैं। कितनी टीम, एक टीम में कितने लोग होते हैं? एक टीम में एक 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 5 की नफरी होती है, लेकिन एक 4 ही खेलते हैं।